नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कभी नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर तमाम आरोप मढ़े कि इससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। नोटबंदी ने बीजेपी को अभूतपूर्व राजनीतिक विजय दी, विरोधियों का मुंह बंद हो गया। नोटबंदी के बाद अब सरकार जीएसटी लागू करने जा रही है, यानी एक देश और एक टैक्स की व्यवस्था। जीएसटी के चार स्लैब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चीजों का बंटवारा कुछ इस ढंग से किया है कि आम आदमी पर जीएसटी का विपरीत असर ना पड़े, यानी जीएसटी फिलहाल लोक लुभावन दिख रहा है। तो सवाल यह कि क्या नोटबंदी की तरह जीएसटी भी 2019 में मोदी सरकार की नैया पार लगाएगा और आम चुनाव में असर दिखाएगा, और क्या मोदी सरकार को फिर जीत दिलाएगा? क्या होगा देश की जनता पर इसका इंपैक्ट? और अगर दूसरे देशों को देखें तो क्या वो इंपैक्ट यहां आएगा? क्या महंगाई बढ़ेगी? और क्या इस सरकार को दोबारा सत्ता हासिल करने में, या इस पार्टी को दोबारा सत्ता हासिल करने में काफी मुश्किलें होंगी? इन सभी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले कि हम इनसे इस पर बात करें, अपने पैनलिस्ट के पास जाएं, आपकी रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस डिबेट पर लौटते हैं। एक जुलाई 2017 से लागू होने जा रहा एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी नोटबंदी के बाद आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम है। नोटबंदी के बाद हुए पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों तक मोदी मैजिक चलता रहा। हर जगह मोदी के नाम पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जाहिर है मोदी सरकार नोटबंदी का चुनावी फायदा हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन अब मुद्दा जीएसटी का है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की जीएसटी को लेकर प्लानिंग से दिखता है कि उन्होंने आम आदमी के लिए इसमें राहत खोजी है। रोजाना की चीजों पर टैक्स लागू नहीं कर उन्होंने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कंसिडर अबाउट द फैक्टर दैट जीएसटी शुड नॉट बी ओरिएंटेड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, सो देयर इज हार्डली एनीथिंग वेयर रेट्स हैव बीन हाइक्ड। जाहिर है जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई कम होने वाली है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। कि आम आदमी को केंद्र बिंदु रखते हुए जीएसटी लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, और इसका केंद्र बिंदु चर्चा का हमेशा आम आदमी रहा है, गरीब आदमी रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार रहा है। वही एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1% का इजाफा होगा, जिसका सीधा मतलब है कि रोजगार के करीब 50 लाख मौके सीधे पैदा होंगे, जबकि करीब 1.5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगे। ऐसे में जीएसटी को देश के लिए गेम चेंजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कारों के दाम नहीं बढ़ेंगे। जी बिजनेस के एडिटर मेहर भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने बताया कि जीएसटी लागू होने से गाड़ियों की कीमतों पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक हमारी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने यही किया है कि 28% प्लस 1% जो सेस किया है, 29%, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है कि जो इस वक्त इफेक्टिव टैक्स रेट हमारी गाड़ियों में पड़ता है मार्केट में। तो उस लिहाज से हमारे कोई फर्क आने वाला नहीं है। यानी मोदी सरकार जीएसटी लागू होने के बाद भी जीत के रथ पर सवार रह सकती है, लेकिन फिलहाल 1 जुलाई 2017 का इंतजार है, और इंतजार है इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों का। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज के सवाल। पहला सवाल, क्या जीएसटी से 2019 का चुनाव जीतेंगे मोदी? 2018 के विधानसभा चुनावों पर जीएसटी का क्या होगा असर? क्या जीएसटी से बढ़ने वाली महंगाई पर काबू कर सकेगी सरकार? क्या जीएसटी से आएंगे अच्छे दिन? तो ये वो कुछ सवाल हैं जिनको अपने इस डिबेट के दौरान उठाएंगे हम, क्योंकि 2019 दूर नहीं है और जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम है आर्थिक मोर्चे पर, बहुत बड़ा, या कहें अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाएगा और वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी को अमल में लाएगा। लेकिन इसके लागू करने के कुछ अपने ही खतरे भी हैं। वो खतरे क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो खतरे सुनिए आप जरा। जीएसटी लागू होने वाले देशों पर अभी तक क्या असर हुआ है? अगर हम यहां पर उदाहरण लें कुछ बड़े देशों का, कनाडा, तो कनाडा लागू करने वाले जो सरकार थी, उसके जो पीएम थे ब्रायन मुरली, जो कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वो जीएसटी लागू करने के बाद जो अगला इलेक्शन थे वो हार गए थे। ना केवल हारे थे, बुरी तरह हारे थे, और जीन क्रेटिन वहां पर लिबरल पार्टी के अगले पीएम बने थे। न्यूजीलैंड,
वहां भी जिस सरकार ने इसको लागू किया वो उस पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आई। डेविड लेंज लेबर पार्टी के चुनाव हार गए और जिम बोलगेर जो कि नेशनल पार्टी के थे वो दोबारा चुनकर आए। फ्रांस का आप उदाहरण ले लीजिए, पियरे मैंडेट फ्रांस जो कि रेडिकल पार्टी के थे जिन्होंने जिस सरकार ने जीएसटी लागू किया वो सरकार भी मौजूदा इलेक्शन हार गई। इसके आगे का आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर अगर हम किस और कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान में भी कुछ यही हुआ। लेकिन क्या भारत में ये ऐसा होगा? क्या भारत में पीएम मोदी एक नया इतिहास बनाएंगे और क्या भारत में ये जो अभी तक परिपाटी चली आ रही है ये तोड़ी जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे और क्यों भारत का जीएसटी दूसरे देशों के जीएसटी से अलग है इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता है। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी इस पैनल में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रवीण खंडेलवाल है, सेक्रेटरी जनरल है आप सीएआईटी के जो कि रिटेलर्स का संगठन है। मेरे साथ जेके मित्तल साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मोहन गुरुस्वामी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। राजीव रंजन है, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर है राजीव रंजन। और रोहित जैन है, पार्टनर है ईएलपी के बतौर टैक्स एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और जफर इस्लाम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आपकी सरकार अपनी कही हुई डेडलाइन के तौर पर 1 जुलाई के आसपास जीएसटी लागू करने के पास दिख रही है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी भी बहुत सारे किंतु परंतु हैं उसमें। लेकिन जफर इस्लाम, उससे आगे की बात करते हैं, 2019 दूर नहीं है जफर इस्लाम, और 2019 से पहले जीएसटी लागू करना क्या पीएम मोदी के लिए एक वरदान होगा? या ऐसा तो नहीं है कि जो अभी तक दूसरे देशों में हुआ है ऐसा ही कुछ यहां हो जाए और जो आप सोच रहे हैं ठीक उसके उल्टा हो जाए? क्या इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आपने देखे हैं, आपने रिसर्च किया है इस पर? देखिए गौरव जी, 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात कि ये जो डिसीजन है, ऐतिहासिक डिसीजन जीएसटी का था, वो देश के हित में था, पार्टी के लिए नहीं है। वो देश के हित में डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री ने देश के हित में डिसीजन लिया और उसकी पूरी जितनी भी कोशिश गई है, चाहे वो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज का की सहायता मिली, सबके साथ के साथ हमने जीएसटी बिल जो लागू करने की कोशिश की है वो सिर्फ देश के हित में। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि आज जो जिस तरह से जो रेट्स डिसाइड हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए और सर्विसेज के लिए, उससे दो चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती हैं कि ये नॉन इन्फ्लेशनरी है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को अगर आप देखिए, जो टैक्स रेट जो है अगर पुट टुगेदर इट, ये कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आम लोगों की जिंदगी की जरूरत के जो जरूरत में इस्तेमाल होती हैं उसमें डेफिनेटली इसका ये थोड़ा उसमें पॉकेट में पैसा बचेगा गरीब आदमी मिडिल क्लास के पास, और वो ज्यादा इससे फायदेमंद होगा और जीएसटी से उसको फायदा दिखेगा, लाभ दिखेगा। तीसरी बात है, ये जरूर है इस बात में कि थोड़े से जो अगर जो कठिनाई जो है, हल्की फुल्की कठिनाई जो जो रिच क्लास है, जो जेंट्री क्लास है, उसको होगी, इसलिए कुछ चीज़ें जो है उनको महंगी पड़ेंगी मार्जिनल। बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो इकोनॉमी में नॉन इन्फ्लेशनरी है, इसके पॉजिटिव साइन होंगे। इन्फ्लेशन कम रहेगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे खर्च करने के लिए और गरीब आदमी इससे बहुत खुश होगा। इससे 2019 हो या 2018 हो, उसको लक्ष्य को देख के ये डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ, सरकार के ऊपर हो सकता है और हो सकता है कि ये एक नया इतिहास बनाए। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। प्रियंका, इस सरकार ने मल्टीपल रेट्स रखे हैं जो पूरी दुनिया में किसी और देश में नहीं दिखता, एक एक्सेप्शन है कनाडा, और कनाडा में भी हमने उदाहरण बताया कि जो सरकार लाई थी वो सरकार वापस नहीं आई जीएसटी। लेकिन प्रियंका, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका रिएक्शन इस बात पर चाहूंगा कि आपको ये जो जीएसटी की जो वन नेशन वन टैक्स की जो अपनी खुद की स्प्रिट है वो यहां पर दिखती है, और क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिन मल्टीपल रेट्स को रखा है कहीं ना कहीं आम आदमी का हित इसमें ध्यान रखा गया है? मैं बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो वन नेशन वन टैक्स जिस स्पिरिट से बनाया गया था, जो हमारे समय पे शुरुआत हुई थी यूपीए के समय पर, हमारी मंशा ये थी कि एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो और वो टैक्स रेट पूरे देश में लागू हो। पर जिस तरीके से इतने सारे स्लैब्स बनाए हैं, 5%, 12%, 28%, 15%, वो उसे दर्शाता है कि किस तरीके से ये टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की बजाय वो उसको और कॉम्प्लिकेट करने वाला है। आने वाले समय में काफी सारी चीजों पे 28% का टैक्स लगाया गया है, जो रोज की उपयोगी वस्तुएं हैं उस पे टैक्स 28% लगाया गया है, तो उससे महंगाई बढ़ेगी। और हम ये नहीं भूल सकते हैं, इस टैक्स रेट पर फिर सेस भी लगेगा,
तो अगर हम देखें तो सही मायने में जो लेकिन प्रियंका जी कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था है, फिर आप बीच में टोका ताकी नहीं, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, आपको ही बोलना है इसके बाद, आप बोलिएगा। मुझे फोन पे रखा हुआ है आपने, मुझे जोड़ा नहीं है, तो आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास जो सवाल है उसे रखा हुआ है क्योंकि कोई प्रॉब्लम है, आपको तुरंत हम लाइव जोड़ेंगे जैसे ही प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ सवाल। हाँ, आप सवाल पूछिए, बिल्कुल मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, मैं आपका जवाब दूंगी। पर जब जवाब दे रहे हो तो उसमें बीच में टोका मत करिए, रिक्वेस्ट है। तो हम बस यही कहेंगे कि जो स्पिरिट था, जिस स्पिरिट से हमने इसको लागू करने की कोशिश की थी, जिसका मैं कहूंगी विरोध जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी करती आई थी, और उसी जीएसटी को इतने स्लैब्स में बांट कर वो ट्रू स्पिरिट और ट्रू वन टैक्स वन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रियंका जो मैं आपसे बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, मोहन गुरुस्वामी भी हैं और भी कुछ एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे पूछूंगा, वो ये कह रहे हैं कि भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है और जहां इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां पर एक रेट आप दवाइयों पर और कोल्ड ड्रिंक पर कैसे रख सकते हैं? आप कैसे एक ही रेट खाने की चीजों पर और लग्जरी आइटम्स पर रख सकते हैं? गौरव जी, मैं जवाब दीजिए, आप जवाब देंगे जवाब देंगे जफर इस्लाम। मैं बस 30 सेकंड में दूंगा। प्रियंका जी को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, बार बार उन्होंने जो कहा कि जो स्पिरिट था, जिस स्पिरिट से वो जीएसटी लाना चाहते थे, देखिए स्पिरिट जो है हमारे जो वो होनी चाहिए कि एक आम नागरिक के पॉकेट में पैसा बचे, उसके पेट पे कोई लात ना पड़े, और वही स्पिरिट प्रधानमंत्री ने जो बार बार कहा है कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, मिडिल क्लास को जो सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मल्टीपल रेट रखा गया है, इसलिए कि देश बड़ा है और पॉवर्टी लाइन के लोग नीचे भी लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से भी ऊपर भी लोग हैं और रिच क्लास भी है, तो रिच क्लास को थोड़ा सा महंगाई जरूर पड़ेगी, उनको इम्पैक्ट होगा, लेकिन आम नागरिक को सीधा सीधा फायदा होगा। मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा, बोलिए प्रियंका। मैं बस यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी अक्षय जी, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमने जब बात की थी जीएसटी रोल आउट की और हमने कहा था कि एक कैप लगना चाहिए, ये 28% जो रोजमर्रा की चीजों पे आपने लगाया है, बहुत सारी चीजों पे लगाया है, तो वो जो हमने कैप लगाने की बात थी वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। ये कहते हैं गरीबों के पेट पे लात नहीं पड़ेगी, गरीबों के पैसे बचेंगे, किस तरीके से उनके पैसे बचेंगे? और पेट पे लात मारने की बात रही तो जिस तरीके से नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, 8 ईयर लोएस्ट पे इनका जॉब ग्रोथ है, तो वो लोग नौकरियां भी नहीं दिला पा रहे, और जो बचे कुछ पैसे थे वो भी जीएसटी के माध्यम से खींच लिया जाएगा। प्रियंका जी, आप 28% की लिस्ट पढ़ेंगी जरा? ये जो टेक्निकल आप बात कर रही हैं जॉब्स की, एक मिनट जफर जी, आपने प्रियंका ने कहा कि जॉब्स नहीं मिल रही और उन्होंने कहा कि जीएसटी से लोगों को और पैसे निकले, 28% स्लैब की बात की, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। एक मिनट जफर इस्लाम, रुकिए, मोहन गुरुस्वामी साहब मेरे साथ हैं। 28% आपने लगाया है।